संध्या करेगी सिमर की मदद, बचाएगी ओसवाल परिवार की इज्जत, गीतांजलि देवी के उड़ेंगे होश। स्वागत है आप सभी का हमाचल टेलीपीप्स टीवी में और रहे शो ससुराल सिमर का पार्ट टू की एक नई अपडेट, जिसमें अब जल्दी दिखाया जाने वाला है कि बेचारी सिमर की ढेर सारी खिचड़ी जो मकर संक्रांति का प्रसाद उसने बनाया था, किसी ने चाल के चलते उसे पूरी तरीके से जला दिया है और अब सारे मेहमान बाहर अब प्रसाद का इंतजार कर रहे हैं। और अब सिमर और अदिति दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान है कि आखिरकार वो दोनों करे तो करे क्या। लेकिन अब जल्द ही सिमर की मदद करने के लिए पहुंचने वाली है संध्या, जहां संध्या ने पहले से ही थोड़ी सी खिचड़ी बना कर रखी थी और बाकी खिचड़ी अब जल्दी जल्दी संध्या सिमर की मदद लेकर चढ़ा देने वाली है, जिससे मेहमानों के सामने ओसवाल परिवार की बेइज्जती ना हो जाए। जहां संध्या ही अब सिमर को इस मुसीबत से निकालती हुई नजर आने वाली है और सिमर की बनने वाली है मसीहा, जहां सिमर को अभी भी संध्या ने माफ नहीं किया है, वो उससे अभी भी बहुत ज़रा नाराज है। और संध्या ने इस वक्त सिमर की मदद सिर्फ और सिर्फ इसलिए करी है क्योंकि संध्या ये नहीं चाहती है कि गीतांजलि देवी की और ओसवाल परिवार की सारे मेहमानों के सामने इस तरीके से बेइज्जती हो जाए कि वो बिना प्रसाद खाए ही घर लौट जाए। जहां संध्या की अब ये नाराजगी जो है वो थोड़ी थोड़ी घट रही है सिमर के लिए, इस बात का एहसास अब सिमर को हो जाएगा और सिमर अपनी सासू माँ की अब बहुत ज़्यादा ही तारीफें करते हुए उनसे माफ़ी भी मांगेगी और थैंक यू भी बोलेगी और कहेगी कि माँ मैं जानती थी कि आप मेरी मदद ज़रूर करेंगी, आपने आज मुझे बचा लिया है। जहाँ संध्या इस बात को साफ करते हुए सिमर से कह देने वाली है कि उसने ओसवाल परिवार की इज्जत बचाई है, ना कि तुम्हारी मदद करी है। तो अब आगे की कहानी में क्या होने वाला है जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, साथ साथ चैनल की नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें।